मैं हंगामा टाइम न्यूज राजकुमार कश्यप, मैं जिला बरेली नवाबगंज के गांव, ये गांव कौन सा है? मुड़िया बिजनेस है। मुड़िया बिजनेस, आपका नाम? चमन प्रकाश। अच्छा, यहाँ पे कई लोग लगभग गौ इसमें कर रहे हैं, देख रखा है गौशाला? दो लोग। कौन कौन है? एक हरिराम है, एक हम। डेली ही रहते हो? रात दिन ही रहते हैं। अच्छा, व्यवस्था क्या है इसकी? व्यवस्था जो है खाने की जो कितने है? कितने जानवर हैं? जानवर 43 हैं। जब कितने दिन में खुलने सब तक है? जो खुला गौशाला कितने दिन हो गए? गौशाला को तो खुले में 4 महीना हो गए होंगे। 4 महीना। खाने में क्या क्या मैं खवा जा रहा है इनके लिए? अब जब भूसा खवाओ जा रहा हो, चरी खवाई हो, भूसा और चोकर कितना पड़ जाता है दिन भर में? मतलब जो है 20 किलो खवा देते होंगे 40 गाय के लिए। अच्छा, पानी व्यवस्था क्या है? पानी व्यवस्था जो है, पानी इंजन से भरते हैं। इसमें इंजन कहाँ है? इसी में लगा है क्या? इसमें इंजन वो अपने खेत पर है, वहाँ अपने खेत से भरते हैं। अब तो पानी खाली रात में लगा वो? अब जो सुबह को पानी लगा, सुबह पानी पिलाया, कब पिलाया? हाँ, दोपहर पानी पिलाया, आप पानी पिलाएंगे जी, और सुबह को भरेंगे पानी। सुबह भरा हुए और इतना पानी 20 जार में हो जाएगा, 40 जार में होगा? हाँ, जो काफ़ी पानी है तो हो जाएगा। कहाँ कितना फिट होगा पानी लेकर? तो कैसे पी लेंगे? बाल्टी से पिलाया जाएगा, जो इसमें नहीं जाते हैं बाल्टी से पिलाते हैं। अच्छा, बाल्टी पिलाते हो? हाँ, इसमें तो ना पहुँचेंगे, इसमें तो सब ना पहुँचेंगे। अच्छा, यहाँ पे नल व्यवस्था क्या है? जैसे नल है जो वो है जो खराब का चल रहा है, समार पाओ बाद में फिर पानी छोड़ रहा हूँ। चलिए, प्रधान जी कौन है आपके? प्रधान जी नाते में तो दादे लगते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है भूरे कहते हैं, भाग सर बोलते हैं इनका, कहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो गांव के प्रधान जी हैं। तो इस नल के बारे में और इस जानवर बारे में कुछ बताया, और तुम कह रहे भूसा जो गंदा अंदा कैसा है, धो के हवा रखा सब? ये तो क्या कहते हैं, जो इनके तरह को है करो वो जो तो सही है ना, भूसा उसमें पड़ा उसमें ढीला लग रहा है वो बोराम, जैसे बोगाम में लग जाता है तो वो आ गया तो बचा दिया। वैसे खान पीन में जानवर थोड़ी जगह गाय मरी का क्या बना है? हाँ, गाय क्या हो गया इसके लिए? इसको पेट फूलो, पेट फूलो। डॉक्टर तो कौन आया देखने? डॉक्टर आए आज, तो आज ही हालत खराब हुई इसकी? पहले भाई आज है भाई, इसकी तो हालत खराब। डॉक्टर आए? हाँ, डॉक्टर। अच्छा, अब तो तुम जब से रहे कितने मर चुके हैं जानवर? या हमारे सामने तो 5 मरी है। 5 मर चुके हैं? तो 5 जानवर मर चुके हैं। तो पहले जब तुम आए तब उस टाइम जानवर कितने इकट्ठे करे गए, अब कितने डेली आते कितने नहीं आते हैं? जो तो हम आए तो उसे तो जो हम जे रहे हैं 30 से ऊपर रहे हैं अब, और अब तो 44 हैं, ये अब तो 43 रहे। तो जब मरी का भूख का कमजोरी क्या है? कमजोरी जैसे जे गाय बैठी है, जे है जो हाँ। कमजोर है इससे हाँ। ज्यादा कमजोरी है। मतलब गौशाला छोटी है हाँ। जानवर ज्यादा है? 50 लिखत में बता रहे डॉक्टर साहब आज। अच्छा, इतने लिखत में और इस टाइम कितने मौजूदा है? 43 सात कहाँ तो मर्ग गड़वा दे बता दें। पचास है डॉक्टर साहब का नाम क्या है? कोई नाम हम साहब डॉक्टर साहब नंबर फोन नंबर कुछ? फोन नंबर है। तो मतलब 50 की एंट्री है और 30 अब तो एक कमेगा तो 43 बचे हैं, 7 गायब। ठीक, देख रहे हैं गौशाला कितनी बढ़िया हमारे नवाबगंज क्षेत्र की है। वह तो सब आगम का चक्कर है। पानी भी होगा खाओ दिया में।
मैं राजकुमार कश्यप बरेली जिला के तहसील नवाबगंज ब्लॉक में खड़ा हूँ, क्योंकि ये गांव लाइखेरा है, यहाँ गौशाला है। अभी मैं देख के आया हूँ, नवाबगंज की एक गांव है मुड़िया बिशनसा है, वहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि जानवर को खाने की व्यवस्था भी नहीं है। उसके बाद गाय भी मर गई, उसके अंदर मैंने जानकारी ली तो प्रधान जी को पता ही नहीं है कि इसमें जानवर कितने हैं। ऑलरेडी उसके उनके जानवर जो भी प्रधान जी के लिखित में है 51 दर्ज, पर मौके पे 43 थे। पर मैंने यहाँ आकर देखा यहाँ की कैसी वो है। भैया आपका नाम क्या है? हल्लू नाम। ये गांव कौन सा है? लाईखेड़ा। अच्छा लाईखेड़ा। प्रधान जी आप? अफजाल खान है। अच्छा यहाँ जानवर कितने होंगे लमसम में? करीब हैं 62 के लमसम। लमसम में। अच्छा इनके लिए क्या क्या खिलाते हो? चोकर खिलाते हैं करीब 300 ग्राम के हिसाब से, लगभग 20 किलो तक। 20 किलो डेली। और हरा चारा जमजम में क्या खिलाते हो? ऐसे चरी है क्या? हरा चारा क्योंकि चरी भी खिलाते हैं और गन्ना भी खिला रहेंगे अभी तो गन्ने का वाला। मतलब हरी और जो चारा खिलाते हो गन्ना उन्ना। अच्छा जानवर जैसे कोई भूखा प्यासा? पानी पिलाते हैं, अगर कोई मान लो भूखा पिलासा है तो खिला रहेंगे। कोई अगर जानवर बीमार हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर आता क्या? हाँ डॉक्टर साहब भी आते हैं, दवाई लगवाते हैं उनके लिए। डेली देखने आते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है? डॉक्टर साहब का नाम है एक धीरज गंगवार जी और एक ख्याली राम डॉक्टर साहब है। मतलब जब से तुम रह रहे तब से कोई जानवर सब ठीक ठाक है? जब से कोई कोई सभी है। कई साल हो गए हम तुम? लगभग 2 साल हो जा रही है। 2 साल। अच्छा पैसा वैसा जैसे मिलना है मेहनत का? हाँ, पैसा मिल रहा है, टाइम से मिल जाता है। तो कई लोग हो तुम यहाँ पे? हम 2 लोग हैं अभी तो। क्या क्या नाम के हो? समीरी लाल और कल्लू। कल्लू। इस टाइम मतलब जानवर आपको जब बाहर घूम रहा है तो ये क्या ये बाहर ही रहते हैं या 2-4 बाहर क्या है? ना वो तो 1-2 बाहर से आ जाते होंगे और बकाया अंदर ही रहते हैं जानवर। अंदर ही रहते हैं। मतलब आप पूरी अच्छी खासी वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो नवाबगंज की लाइखेड़ा की गौशाला है, कितना इसमें एक से ऐसे खा रहे हैं जैसे भैया बहन का रिश्ता इनका हो। पर अभी हम वहाँ गए थे मुड़िया बिशन साहब, वहाँ पे हालत थी कि खाने के लिए भूसा भी नहीं था और प्यार है वो भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो बनी हुई देखना कि बिशन साहब क्या हालत है। और यहाँ पे इंजन पानी भी है, फिर उसके बाद ये तालाब है, अगर इनके मन चले जानवरों की तो इसमें नहा भी सकते हैं, टहल सकते हैं। और सामने दिखा रहा वहाँ तक पूरा जो गौशाला ही बना हुआ है, पूरी अच्छी बाउंड्री। पर अभी कुछ जगह ऐसी बाउंड्री बनी हुई है कि जहाँ पे घूमने तक का जगह नहीं है और जानवर उसी में हग रहे हैं। और यहाँ इतनी साफ भी है, देखो कतई वो भी गिद गुनी पड़ी है, चौकीदार होने बाद भी इतनी साफ है। और हम गए थे मुड़िया बिशनसा, वहाँ भी इतनी बुरी है कि जो जानवर वही खा रहा है उसी में हग रहा है। अब ऐसी सरकार इतनी सुविधा दे रही है जानवर के लिए, योगी जी मोदी जी, तो ऐसे गौशाला के लिए इन प्रधान और सचिव के लिए टोटली कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब इनका वहाँ उसके बाद मुड़िया बिशनसा में क्या है, 100 ग्राम खाना गाँव गेहूँ का चोखा 100 ग्राम, क्योंकि 300 ग्राम होना चाहिए। एक कट्टा 20 किलो आता है वहाँ पर, तो 2 दिन चलाते हैं, मतलब 24 घंटे खवाते हैं। और यहाँ बताना 20 किलो प्रतिदिन सबको खवाते हैं। ठीक, देखते रहिए हंगामा टाइम न्यूज। अब यहाँ के जो प्रधान जी के नंबर सुनिए, क्योंकि जो एक चल रहा है हिंदू मुसलमान बात, अब जो कौम के मोमदन है, पर बताइए कि हिंदू जाति के नाम से गौशाला गौ गौ माता कितनी सेवा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा गौशाला कमजोर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिसके लिए अच्छा खासा खिलाने रहा। और जो हिंदू होके भी वहाँ के प्रधान है भूरे को दिवाकर कौन है सुने यार, मुनि बिशन साहब उन्होंने तो ऐसा कर रखा जानवर, कुछ कहने की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।